गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वैल्यू, कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यहाँ से जो भी नंबर बाहर आएगा वो एग्जैक्टली वैल्यू होगा, तो वैल्यू नेवर शोइंग नेगेटिव, तो नेगेटिव में आना नहीं चाहिए। तो कैसे करना है, तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस। ओके, तो आप सिंपल वही करो माइनस, सो 15 माइनस 2 यही एब्सोल्यूट वैल्यू में ये आ जाएगा 30। माइनस किया, अभी जब इसके बाहर आएगा, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा बट बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्लस 30। अगर आप ये सिंबल नहीं दोगे तो भी चलेगा, और दोगे तो भी चलेगा, तो यही दिखना चाहिए तभी वो होगा वैल्यू। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम 4 माइनस 9 पॉसिबल नहीं, बट 9 माइनस 4 आ जाएगा 5, और 9 बड़ा है, 9 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आया माइनस 5। तो मैंने बोला था कि बाहर आने के बाद आपको क्या दिखना चाहिए, पॉजिटिव, ये बाहर आएगा तो ये दिखेगा प्लस 5, इसको बोलते वैल्यू। अंडरस्टैंड, सेम वहां पे भी वैसे, बट यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, बट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर नंबर है, अगर मल्टीप्लाई साइन उसके अंदर होता तो डायरेक्ट करते, बट अब ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई में प्लस 4, तो प्लस 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 ही होता है, तो 7 4 20 8, ये आंसर आएगा प्लस 20। अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी। ठीक है, अभी आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर देना। तो होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन सेम 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इजी रहेगा 9 माइनस 15, और सेकंड रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, ये आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अभी यहाँ पे बोला है सॉल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तो जो आपको इक्वेशन दिए है उस इक्वेशन में देखोगे तो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन क्या शो करता है कि दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, बट आप देखोगे यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे सिंबल है इसलिए दोनों सेम है, मैं ये नहीं बोल सकता, बट उन्होंने बोला है कि वो दोनों सेम है, तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वो बाहर आने के बाद प्लस ही रहेगा। अभी क्या करना है, फर्स्ट आपका स्टेप है ये सिंबल को निकालना है, बट आप यहाँ पे अपना प्लस लिख सकते हो ना माइनस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, जब तक ये दोनों का माइनस नहीं होगा तब तक वो नंबर को हम बाहर नहीं निकाल सकते। ओके, तो आपको जब ये बाहर निकालोगे तो यहाँ पे इक्वल करके 1 भी है, तो क्या करना है, ये सॉरी पहले निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 5, ये प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों के बिटवीन माइनस है। ओके, तो ये हो गया माइनस, फिर जब इक्वल करके लिखूंगा तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस माइनस 1, क्योंकि ये इस सिंबल के अंदर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे कैसे करना है, 3x माइनस 5 एक बार आपको लिखना है इक्वल करके प्लस 1, और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1। अंडरस्टैंड, अभी क्या करते हैं, सो ये नंबर है, ये नंबर को आपको दोनों तरफ शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस 5 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी माइनस है उधर जाके प्लस ही होगा, तो नेक्स्ट है 3x इज इक्वल टू 1, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस 5, राइट, सो 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6, राइट, और 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 2, ये मिला आपको x का वैल्यू, सेम वहां पे भी वही करना है, और 3x माइनस है उधर जाके प्लस ही होगा, बट यहाँ पे हम 1 के माइनस में, ये हो जाएगा प्लस 5, और 3x इज इक्वल टू
5 minus 1 4 and greater number 7. ओके अभी 3 के टेबल में 4 आएगा नहीं, इसलिए उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट उसको शिफ्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन, अंडरस्टैंड ये हो गया. इसको इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. तो ये होगा इसका आंसर. ओके इसका मतलब क्या होता है, अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो भी आपका आंसर 1 ही आने वाला है, और अगर 4 अपॉन 3 रखते हो यहाँ पे x का वैल्यू तो भी आपका आंसर 1 ही आने वाला. अंडरस्टैंड. अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास. देखो यहाँ पे भी सेम ही है, दोनों के बीच में माइनस है, इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे तो साइन इसका चेंज नहीं होगा, साइन इसका चेंज होगा, क्योंकि क्या बोला है कि दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल है तो ये सिंबल जब हटाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो क्या करना है, सेम करना है, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू सेम प्लस माइनस 5, क्योंकि इसका ये हट गया तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5. ओके तो सेम 7 माइनस 2x इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस 5 और सेकेंड में 7 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5. एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है, क्योंकि 5 दो टाइम दिया हुआ है. तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 2x माइनस में, यहाँ पे अगर देखोगे तो x प्लस में था और नंबर माइनस में था, बट यहाँ पे ये माइनस में, तो मैं उसको शिफ्ट करूंगा और उसको ये तरफ लेके आऊंगा. तो क्या होगा, ये सेट जाएगा तो क्या होगा, माइनस से उधर जाके प्लस, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस से इधर आके माइनस. तो क्या होगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x. नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो 7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 2x, राइट. तो अभी 2 के टेबल में 2 तो आता है, 2 1s are 2 1s are, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आपको x क्या मिल गया, 1 मिल गया. सेम वहां पे भी वही करेंगे, और 2x वहां पे जाएगा और 5 यहाँ पे आएगा, बट सेम 2x यहाँ पे नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, और ये नंबर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ आके पॉजिटिव. तो क्या होगा, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x. तो क्या होगा, 7 प्लस 5 क्या होगा, 12 इज इक्वल टू 2x. अगेन 2 के टेबल में 12 आता है, यस, 2 1s are 2 6s are, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. अंडरस्टैंड, मतलब अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो तो भी आंसर 5 आएगा, पर x का वैल्यू 6 रखते हो तो भी आंसर 5 आएगा. ओके देन क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल है, डिफिकल्टी वजह थोड़ा सा क्रिटिकल है, सिर्फ डिवाइड बाय 2 है. तो जो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सेम हम लोग पहले वही करेंगे. ये पहले ब्रैकेट है, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल हटाएंगे, यहाँ पे आएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू सेम प्लस माइनस 5. ठीक है, अभी ये डिवाइड बाय 2 है तो डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर दे, तो डिवाइड में है तो यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई. तो क्या होगा, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बस इतना ही शेप है इसमें. तो सेम 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, बट यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस 10. हो गया, सेम वैसे ही कर रहे हैं. कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, 8 माइनस एक्स एक बार प्लस में इज इक्वल टू प्लस 10, और x माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 10. 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, एक बार प्लस एक बार माइनस. ओके सेम करने, देखो यहां पे भी x माइनस में तो x को शिफ्ट करेंगे तो x उधर जाएगा, 10 इधर आएगा. तो क्या होगा, 8 ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, सो ये माइनस है उधर आके प्लस, ये प्लस ये इधर आके माइनस इज इक्वल टू एक्स. सो 10 माइनस 8 2 एंड ग्रेटर नंबर साइन इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. अंडरस्टैंड.
सेम वहां पे भी वैसे करना है और यहाँ पे भी आपका x इधर जाएगा, 10 इधर आएगा, तो x आगे नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, 10 नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा 8 + 10 इज इक्वल टू एक्स। सो 8 + 10 कितना हो जाएगा, यस 18 इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो x इज इक्वल टू लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18, अंडरस्टैंड। अभी इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो मैं हाफ सॉल्व करके दूंगा, हाफ आपको करना है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको बोला था कि हाफ ही सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि सेम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया तो सेम ही है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस था, इसलिए तो मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वहां पे डायरेक्टली होल डिवाइड बाय नंबर था, यहाँ पे होल डिवाइड बाय नहीं, यहाँ पे अलग अलग नंबर है, तो पहले हम इन दोनों को सेम करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 × 4 = क्या आएगा, 20 + 1 × x, एक्स अपॉन 4 × 1 = मतलब ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 इज इक्वल टू 5। तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वही मेथड में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये निकाल देना है, सो 20 + x / 4 यहाँ पे आएगा ±5। तो सेम यहाँ पे 4 क्या कर रहा है, मल्टी डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 20 + x = ±5 × 4, राइट। एंड देन 20 + x = ±5 × 4 = 20। अभी आगे सॉल्व करोगे तो एक बार 20 प्लस मिलेगा और एक बार 20 माइनस मिलेगा, और यहाँ पे देखोगे तो x प्लस में, ठीक है, तो x को शिफ्ट नहीं करना, इसको शिफ्ट करना 20 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको आधा आपको होमवर्क में दी है। अभी आपको होमवर्क में और क्या लेना है, जो अपना प्रॉब्लम सेट है, तो प्रॉब्लम सेट का आपका चूज द करेक्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 7 या 8 क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे 7 या 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करते हैं, ओके। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 फिनिश और चैप्टर भी फिनिश, ओके।